अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, गजा के अंदर की जो तस्वीरें इस वक्त सामने निकल के आ रही हैं, इसराइल की शैतानी चाल, यहां तक कि इसराइल की जनता और इसराइल के सैनिक नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं, और पूरी तरह से ये तस्वीरें उजागर हो चुकी हैं कि किस तरह से गजा के बेकसूर और मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर नरसंहार जारी किया हुआ है। यहां तक कि इसराइल के नागरिकों ने गजा के अंदर मानव सहायता भेजने पर भी पैरा लगाया हुआ है। इसराइल की सेना जब कमजोर पड़ने लगी हमास के सामने, तो इसराइल के नागरिक भी इसराइल की सेना के साथ खड़े हो चुके हैं दोस्तों, और इसराइल की शैतानी चाल सामने निकल कर आई है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका के जो बाइडेन के लिए बड़ी बात कह दी है। हर एक खबर आप लोगों के सामने रखूंगा, हर एक खबर को पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। लेकिन दोस्तों, गजा के अंदर जिस तरह से इसराइल के नेतन्याहू ने अमेरिका के सपोर्ट से गजा के लोगों का नरसंहार किया हुआ है, आखिर वो किन लोगों का नरसंहार करना चाह रहा है? जो लोग जन्नत की तरफ करके दिल में बैठे हुए, जिनका अकीदा यह है कि भाई हम मरेंगे तो सीधे जन्नत में जाएंगे, हमें शहादत मिलेगी, उन लोगों को इसराइल के नेतन्याहू खाने और पीने से डराते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आप लोग यहाँ पर एक वीडियो देखिए, ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता जंग में शहीद हो चुके हैं, जिनके घर मकानों को तोड़ दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जन्नत के बारे में कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस वीडियो को देखिए। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो के अंदर एक बात कही जा रही है जन्नत के मुतालिक। ये लोगों का तो अंदर से ही इतना बड़ा अकीदा है, इन वीडियो को देखकर ही इसराइल के नेतन्याहू के जो मंसूबे हैं वो पूरी तरह से नतमस्तक हो जाते हैं। इसराइल के नेतन्याहू के सारे मंसूबे अंदर ही अंदर टूट जाते हैं कि इनसे तो हम नहीं जीत पाएंगे, हमास के लड़ाकों से तो ये नहीं जीत पाए। वहीं पर फिलिस्तीनियों का भी ये अकीदा है कि बात अगर सिर्फ गजा की होती, बात अगर फिलिस्तीन की होती तो वो लोग शायद छोड़ सकते थे, लेकिन बात मस्जिद अक्सा की है, क़िबला अव्वल की है, इसलिए उन लोगों को मौत ज्यादा पसंद है। वो लोग मरना गवारा करेंगे, लेकिन मस्जिद अक्सा को यहूदियों के हाथ में देना उनको गवारा नहीं है। इन फिलिस्तीनियों के सामने इसराइल का नेतन्याहू हर तरीके की चाल अपनी रख चुका है, हर तरीके से इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर चुका है, शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित कर चुका है, यहां तक के खाना पीना, लाइट बिजली पानी सब कुछ इसने बंद कर दिया। हर तरीके की चाल इसराइल के नेतन्याहू की इनके सामने नतमस्तक हो गई। दोस्तों, जब ये वीडियो सामने निकल कर आई तो इनके हौसलों को देखकर इसराइल की सेना तक पूरी तरह से पस्त हो चुकी है। ये वीडियो जो शेयर की गई है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दावा किया जा रहा है जन्ना जन्ना तस्लीम या वतना, खुदा की कसम आप कौम के हीरो हैं, आप बच्चों को मुसीबत के वक्त साबित कदम रहने के लिए परवरिश करते हैं, ये एक ऐसी आजमाइश है जिसे पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप पूरी मुस्लिम कौम के लिए आजादी का रास्ता रोशन करेंगे, जन्नत जन्नत, खुदा तुझे सलामत रखे मेरे वतन, इस तरह की बात कही जा रही है। यहां पर साफ तौर पर इन लोगों की जो है परवरिश जो दोस्तों मस्जिद अक्सा के लिए की जाती है, मस्जिद अक्सा की हिफाजत इन फिलिस्तीनियों के लिए दी गई है, और उस मस्जिद अक्सा को हड़पने के लिए, हत्याने के लिए इसराइल के नेतन्याहू हर तरीके की चाल चल चुके हैं, हर तरीके से उन्होंने एड़ी और चोटी का जोड़ लगा दिया, लेकिन ये फिलिस्तीनियों के मंसूबे रत्ती बराबर भी कम नहीं हुए। फिलिस्तीनी अपनी जान देने से रत्ती बराबर भी पीछे नहीं हट रहे, बिल्कुल भी इन लोगों को अपनी जान का खौफ नहीं है, और इन्होंने हर तरीके की मुमकिन कोशिश की है। अब ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाई है जिसके अंदर शहादत की बात की जा रही है, वहीं पर दोस्तों कल जुमा था, जुमा के दिन भी कम जुल्म नहीं होता फिलिस्तीनियों पर। यरूशलम के अंदर कई इसराइल की IDF सेना तैनात रहती है मस्जिद अक्सा के पास, यरूशलम के अंदर मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ने देती, लेकिन मस्जिद के ऊपर अभी तक पूरी तरह से लोग कब्जा नहीं कर पाए हैं, अपनी इबादत वहां पर इन लोगों ने शुरू भी की थी, ऐसी खबरें निकल के आई थी, लेकिन तस्वीर सामने निकल कर नहीं आई। लेकिन मस्जिद अक्सा के अंदर जब फलस्तीन के लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उनको रोक दिया जाता है। उन लोगों ने कल जुमे की नमाज सड़कों पर अदा की है फलस्तीनियों ने। इस रिपोर्ट में आप लोग देखिए, इसराइली बलों द्वारा अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना करने से रोकने के बाद उपासकों ने बाब अल अमोद क्षेत्र में सड़क पर शुक्रवार की प्रार्थना की है। मस्जिद अक्सा के अंदर जाने से इन फिलिस्तीनियों को इसराइल की सेना रोक रही है।
क्या इसराइल की सेना को ये राइट्स मिल चुके हैं कि अब वो फिलिस्तीनियों को नमाज नहीं पढ़ने देगी? क्या किसी कोर्ट ने उनको ये आदेश दे दिया है? क्या मुसलमान उस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ेंगे? किसके हुक्म पर इसराइल इस तरह का नरसंहार कर रहा है, मस्जिद अक्सा के ऊपर कब्जा कर रहा है? यह अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। ये एक ऐसी दुनिया के अंदर हो रहा है और एक ऐसे वक्त के अंदर हो रहा है दोस्तों, जिस वक्त में दुनिया के अंदर हर तरीके की सहूलियत, हर तरीके की कानूनी व्यवस्था है, बावजूद इसके फिर भी कोई अभी तक फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी तरह की सजा इसराइल को देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोग एक बार जरा एक तस्वीर देखिए कि किस तरह से लोगों ने सड़कों पर नमाज अदा की है। जब मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, इसराइल की सेना ने मुसलमानों को मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ने जाने दिया, तो उन लोगों ने फिर सड़कों पर नमाज अदा किए। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इसराइल की सेना कितना ही जुल्म फिलिस्तीनियों के ऊपर करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं पर जॉर्डन के अंदर भी यही हाल निकल कर आया दोस्तों। जॉर्डन के अंदर भी लोगों ने सड़कों पर नमाज अदा किए, लेकिन वहां पर अपनी मर्जी से सड़कों पर नमाज अदा किए। आप सभी को पता है कि लाल सागर के अंदर यमन के हूती ने हर एक जहाज को अपना निशाना बनाया हुआ है। कोई भी जहाज, यहूदियों का कोई भी जहाज वहां से नहीं निकल सकता जो कि अमेरिका से मुताल्लिक हो, यानी कि अमेरिका से जुड़े देश का कोई भी जहाज लाल सागर के अंदर से नहीं गुजर सकता। बहुत टाइम हो चुका है, हमने आपको कोई भी ऐसी खबर नहीं पहुंचाई है जिसके अंदर ये बात कही गई हो कि यमन के हूतीस ने फिर से अमेरिका का जहाज उड़ाया हो या फिर इसराइल का कोई जहाज उड़ाया हो। क्या इसराइल के पास अब कोई मानवीय सहायता नहीं जा रही? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसराइल के पास अब सामान नहीं पहुंचाया जा रहा? सामान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अब जो है बहुत सारे देशों ने गद्दारी कर दी है दोस्तों। बहुत सारे देश जो है अंदर ही अंदर इसराइल को सामान सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, कोई गैरों ने नहीं, अपनों ने ही दोस्तों काम किया है। दरअसल जॉर्डन के अंदर सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर नमाज अदा की है। स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए, दावा किया जा रहा है कि जॉर्डन के सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर शुक्रवार की नमाज अदा की क्योंकि सुरक्षा बलों ने उन्हें इसराइल को माल की डिलीवरी रोकने के लिए किंग हुसैन सीमा पार तक पहुंचने से रोक दिया था। आप लोग समझ रहे हैं कि यहां पर दावा किया जा रहा है कि इसराइल को माल पहुंचाने की, यानी माल पहुंचाया जा रहा है, डिलीवरी करी जा रही थी, तो उसको रोकने के लिए किंग हुसैन सीमा पार तक पहुंचने से रोक दिया था, इसलिए जॉर्डन के लोगों ने सड़क पर नमाज अदा की। दावा किया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक भूमि मार्ग के बारे में रिपोर्ट सामने आई थी जिसके माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात जॉर्डन के माध्यम से इसराइल तक माल पहुंचा रहा था। अरब अमीरात UAE, दावा किया जा रहा है कि ये जो है अंदर ही अंदर जॉर्डन की सीमा के माध्यम से इसराइल तक सामान पहुंचाते हुए पकड़े गए थे लोग, इसलिए अब जो है जॉर्डन के लोगों ने सड़क पर नमाज अदा की थी, वहां पर देख रेख की थी कि कोई और माल अब इसराइल तक ना पहुंच पाए। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं दोस्तों जो वहां की सामने निकल के आ रही है कि लोगों ने सड़कों पर नमाज अदा की थी। यमन के हूतीस की सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया, पानी में मिला दिया, अपने ही लोग गद्दारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। वहीं पर गजा के अंदर रफा बॉर्डर के पास हजारियों की तादाद में ट्रैक्टर मानवीय सहायता लेकर खड़े हुए हैं। हजारियों ट्रैक्टर मानवीय सहायता गजा के अंदर प्रवेश करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस रफा बॉर्डर को नहीं खोला जा रहा, बल्कि वहां पर इसराइल के नागरिक जो है दोस्तों सड़कों पर उतर चुके हैं और उस बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं, उस बॉर्डर की देखरेख कर रहे हैं कि किसी भी तरह से गजा के अंदर कोई ट्रैक्टर ना घुस जाए। वहीं पर गजा के अंदर की कुछ तस्वीरें ऐसी निकल कर आई हैं दोस्तों जो अंदर से विचलित कर सकती हैं कि लोग घासों को उखाड़कर अपने खाने पीने की खोज करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आप लोग एक इस बुजुर्ग माँ का वीडियो देख सकते हैं, दावा किया जा रहा है कि यह नॉर्थन गाजा की वीडियो है जहां पर एक महिला जो है जमीन के अंदर से जो है गाजर वगैरह निकालती हुई नजर आ रही है, यानी वहां पर खाने पीने के लिए दोस्तों चीजें नहीं है। कुछ तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। وطحين لنا اكثر من شهرين ما اكلنا وما فيش والسوق كله غالي والاسعار غاليه। बोलते हैं कि दो महीने से अधिक समय से आटा नहीं होने और बाजार की पहुंच से बाहर होने के कारण बुनियादी जीविका के लिए संघर्ष असहनीय है। भोजन सहायता और पानी की कमी के कारण गाजा में एक मां अपने बच्चों के लिए खिलाने की तलाश कर रही है।
है ना, खाने की तलाश कर रहे हैं। ये कब हो रहा है? उस वक्त जब रफा बॉर्डर के पास हजारियों की तादाद में ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। उस रफा बॉर्डर को नहीं खुलवाया जा रहा। कोई अरबी देश, कोई मुस्लिम देश अभी तक सामने निकल कर नहीं आया कि गजा के अंदर बॉर्डर के जरिए से मानवीय सहायता पहुंचाई जाए। एक देश है जिसका नाम मैं भूल चुका हूं, उस देश ने बड़ी अच्छा काम किया था गजा के अंदर, हवा के जरिए से उसने ऊपर से एरोप्लेन के अंदर से सामान जो है मानवीय सहायता भेजी थी, क्योंकि डायरेक्ट गजा के अंदर जो है बॉर्डर के अंदर से सामान नहीं जाने दिया जा रहा है। दोस्तों अब मैं आप लोगों के सामने जो तस्वीर रख रहा हूं, उस तस्वीर को देखिएगा कि किस तरह से शैतानी चाल चली जा रही है, किस तरह से इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, इंसान की नस्ल कशी की जा रही है। दरअसल आप लोग इस वीडियो को देखिए, दावा किया जा रहा है कि भूख से रोजाना होने वाली मौतों की खबरों के बीच इजरायली निवासियों ने 10 दिनों से अधिक समय से मानवीय सहायता ट्रकों को गाजा में प्रवेश करने से रोकना जारी रखा हुआ है। दोस्तों ये लोग वहां पर पहरा दे रहे हैं, ये लोग वहां पर नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं कि गजा के अंदर किसी भी तरह की मानव सहायता ना पहुंचे। पिछले 10 दिनों से ज्यादा से बताया जा रहा है, 10 दिन से अधिक दिन हो चुके हैं कि वहां पर ये लोग बॉर्डर के पास मौजूद हैं और मानव सहायता जाने से रोके हुए हैं। तस्वीर आप लोग देखिए, कि किस तरह से ये नौटंकी इस वीडियो के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं, और बाकायदा इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है। इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालकर दिखाने की कोशिश की जा रही है इसराइल के यहूदियों को कि हम फिलिस्तीनियों के पास जो है खाना पीना नहीं जाने दे रहे, ताकि इनकी वाहवाही इसराइल के अंदर हो सके और लोग ये समझ सके कि हाँ इसराइल गजा पर और फिलिस्तीनियों पर ज्यादा भारी पड़ रहा है, उन पर हावी हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उनके हौसलों में रत्ती बराबर भी कमी पैदा नहीं कर पाए हैं। हर तरीके की इन्होंने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं पर दोस्तों इसी बीच रजब तैयब अर्दोगान ने भी बड़ी बात कही है। रजब तैयब अर्दोगान ने जो बात कही है उस बात को आप लोग सुनिए कि क्या कुछ रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है उस वक्त, जिस वक्त बॉर्डरों के पास इजरायली नागरिक खुद आकर अब जो है दोस्तों वहां पर पहरा देने पर आमादा हो चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान कह रहे हैं कि हम गाजा में इजरायली उत्पीड़न का संयुक्त जवाब देने और मिलकर कार्रवाई करने के लिए इस्लामिक देशों के साथ अपने राजनयिक संपर्क जारी रख रहे हैं, यानी कि हम उनके साथ अपना राजनयिक संपर्क पूरी तरह से बनाए हुए हैं, अपना संपर्क राजनयिक संपर्क जो है उसको पूरी तरह से जारी किए हुए। ऐसे वक्त में जिस वक्त बॉर्डरों के पास हजारों की तादाद में ट्रैक्टर खड़े हुए हैं लेकिन उनको गजा के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही, क्या तुर्की इस बात पर फोकस करेंगे? रजब तैयब अर्दोगान जिस तरह से बड़बोल करते हुए नजर आ रहे हैं हर बार, लेकिन उन्होंने कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया है। क्या वो इस तरह से जो कह रहे हैं कि हम गजा में इजरायली उत्पीड़न का संयुक्त अरब और जवाब देने के साथ यानी इस्लामिक देशों के साथ जो है राजनयिक संपर्क बनाए रखेंगे, क्या ये सब मुस्लिम देश मिलकर इन तस्वीरों को देखकर क्या उनके अंदर थोड़ी गैरत जागेगी? क्या उन देशों के अंदर जो वाकई में इंसानियत के संग है, क्या वो इन तस्वीरों को देखकर उस बॉर्डर को खोलने की मांग या प्रेशर इसराइल के ऊपर बनाएंगे? ये बड़ा सवाल है। वहीं पर दोस्तों अमेरिका के साथ मिलकर जिस तरह से इसराइल का साथ दिया जा रहा है, अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया है और उसके साथ मिलकर गजा का नरसंहार किया जा रहा है, फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया जा रहा है, तो उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे अमेरिका के जो बाइडन पर हमला किया है, अमेरिका के जो बाइडन पर अटैक किया है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बाइडन के पास बम गिराने और लोगों को मारने के अलावा कोई विदेश नीति नहीं है। ये सिर्फ बम गिरा सकते हैं, ये लोगों की नस्ल कसी कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई विदेश नीति नहीं है, इनके पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर बम गिराते हैं, लोगों को मारते हैं, अगर ये नहीं मार सकते तो उनका साथ देते हैं जो दूसरे लोगों का कत्ल कर रहे होते हैं। तो ये सीधी बात जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के जो बाइडन से कही है। तो इस तरह से गजा के अंदर इस वक्त दोस्तों नरसंहार किया जा रहा है। सारी तस्वीरें हमने आप लोगों के सामने रखी हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।